हेलो गाइस एंड वेलकम टू एफिशिनाडोस डेन वेयर वी स्टे इन क्लास। एंड गाइस, आज जो विस्की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही एक स्पेशल विस्की है। नाउ एज द वीडियो वुड प्रोग्रेस मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा कि विस्की क्यों इतनी स्पेशल है, बट फर्स्टली लेट मी टेल यू दैट दिस विस्की इज अ ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। द पेरेंट कंपनी ऑफ दिस विस्की इज एन इंडियन कंपनी एंड इट हैज़ इट्स हेड ऑफिस इन मानेसर। अब एक चीज़ और है इस विस्की में और वो ये है कि दिस विस्की इज डिस्टिल्ड एंड बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड। इट इज़ एन इम्पोर्टेड विस्की। नाउ अ कंपनी दैट हैज़ इट्स ओरिजिन्स इन इंडिया इज इम्पोर्टिंग अ विस्की दैट इज मेड इन स्कॉटलैंड, कम्प्लीटली मेड एंड बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड। नाउ यू कैन वेरी वेल इमेजिन देयर फोकस ऑन क्वालिटी। सो दिस विस्की इज कम्प्लीटली बेस्ड आउट ऑफ पैशन एंड क्वालिटी और ये विस्की का नाम है वॉबलर रिजर्व ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। और इसी नाम के कंपनी भी है वॉबलर ब्रूअर्स एंड डिस्टिलरीज। इनके कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं इस टाइम पे, जैसे कि बियर्स हैं, विस्की अभी अभी लास्ट ईयर इन्होंने लॉन्च की है। दिस कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड वे बैक इन 2016 एंड दे आर कमिंग अप विद मोर प्रोडक्ट्स in future. They are coming up with gins, they are coming up with tequilas, they are coming up with Irish whiskey as well. So this is more or less what I have to tell you about this product. It is completely focused on quality. Is whiskey ka Gurgaon mein price hai 1100 rupees, which is of the segment of Ballantine's as well as Johnnie Walker Red Label. So it is in that segment. Chaliye, that is more or less about the whiskey that I wanted to tell you. Let's go ahead and unbox it and taste it and let's see what this whiskey has to offer. To chaliye, ek agar main box ki baat karun to ek bahut hi premium quality ka box hai. आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छे कलर स्कीम में है, ब्लू एंड ऑफ वाइट काइंड ऑफ कलर स्कीम। प्लस अगर मैं इसके बॉक्स की बात करूं तो इस पे लिखा हुआ है दैट इट हैज़ बीन मैच्योर्ड इन ओक, व्हिच ऑफ कोर्स इफ इट इज़ अ स्कॉच विस्की इट हैज़ टू बी मैच्योर्ड इन ओक। तो चलिए लेट्स गो हेड एंड अनबॉक्स इट, लेट्स गो। That's Wobbler whiskey for you. The bottle is an old school bottle. बहुत ही अच्छी bottle है, बहुत ही fine glass लग रहा है, feel कर रहा है in my hand. And एक बहुत ही normal kind of bottle है, but अच्छी quality की है. And the best part is it has got a screw cap on it. So let's go ahead and open this bottle. This is Wobbler Reserve for you guys. Let's open it and let's pour it. और अगर आप देखेंगे इसके बॉक्स पे एंड बॉटल पे भी लिखा हुआ है कंट्री ऑफ ओरिजिन इज स्कॉटलैंड एंड द ओनली एडिटिव दैट आई कैन सी ऑन द बॉटल इज कलर दैट इज कैरमल कलर 150A। उसके अलावा द इंग्रेडिएंट्स आर द सेम एज ऑफ स्कॉच विस्की। ऑफ कोर्स इफ इट इज मेड इन स्कॉटलैंड, मैच्योर्ड इन स्कॉटलैंड एंड बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड, बॉटल्ड एट ओरिजिन, तो डेफिनेटली जो है इसमें कुछ एडिटिव्स ऐड नहीं हो सकते हैं as per the law. तो इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है मुझे. I guess the whiskey has opened up. Let's go ahead and taste it and let's see what this whiskey has to offer. चलिए guys, अगर मैं कलर की बात करूं तो एक डार्क गोल्डनिश कलर है इसमें. चलिए let's get on to the nosing. Nice, very nice. वो अल्कोहल का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है ऑन द नोज. आई कैन गेट वनीला आउट ऑफ इट, आई कैन गेट अ बिट ऑफ ओकीनेस इन इट, अ बिट ऑफ फ्रूटीनेस इन इट, बट नो व्हाटसोएवर टच ऑफ अल्कोहल इन द नोज. दैट्स वेरी गुड आई वुड से.
क्योंकि मोस्टली जो होता है इस सेगमेंट की विस्कीज में अल्कोहल का एक अरोमा होता है विस्की में, बट इस विस्की में मुझे नहीं आ रहा वो अरोमा. सो आई हैव हाई होप्स फ्रॉम दिस विस्की. येस ऑफ कोर्स इट इज़ मेड अप ऑफ अ ब्लेंड ऑफ स्कॉच माल्ट्स एज वेल एज ग्रेन विस्कीज, विच ऑफ कोर्स इज़ व्हाट अ ब्लेंडेड स्कॉच विस्की इज़. So let's go ahead, let's taste it and let's see what this whiskey has to do on the palate. Chaliye. Ek sweet palate hai. Almost medium bodied whiskey. एक हल्की सी ओकिनेस है, वनिलिन, यस. बट द गुड पार्ट दैट आई एम लाइकिंग अबाउट दिस विस्की इज वो अल्कोहल का बर्न नहीं है कहीं भी. द फर्स्ट टेस्ट इज ऑलवेज द टेस्ट व्हेन यू फील द बर्न ऑफ अल्कोहल, बट इस विस्की में मुझे कहीं पर भी उस बर्न नहीं मिल रहा अल्कोहल का. दो इट इज़ बॉटल्ड एट 43% ABV, मुझे कहीं पर भी इसमें अल्कोहल का बर्न नहीं दिख रहा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई वुड से. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट. एक हल्का सा मुझे कैरमल का टेस्ट आ रहा है, अ बिट ऑफ वनिलिन ऑफ कोर्स, अ बिट ऑफ ओकिनेस, अ वेरी नाइस स्वीट पैलेट आई वुड से, बट डेफिनेटली नॉट एट ऑल एनी बर्न ऑफ अल्कोहल इन इट. एट 43% आई वुड डेफिनेटली से इट इज़ वर्थ बाइंग, वर्थ ड्रिंकिंग एज इट इज़. तो आई वुड रिकमेंड यू कैन ड्रिंक द विस्की एज इट इज़ एज वेल. Let's get on to the comparative tasting, add a dash of water to it, and let's see what this whiskey has to offer after a dash of water. Chaliye. That's a bit of water. Let's go ahead and nose it. Oh wow. The water has opened it up so nicely. Now I can get a lot of fruits in it. Apples, pears, vanillin of course, oakiness, yes. Very nice indeed. A faint hint of coconut in it. Very nice indeed. मुझे ये बोलना चाहिए कि if you add a dash of water or drink it on the rocks, I think I haven't got into the tasting yet, but nosing ke comparison mein toh I would definitely say that drink it as it is, drink it on the rocks, it would definitely make your experience worthwhile. Chaliye, still let's get on to the taste in the comparative tasting and let's see what this whiskey has to offer on the taste. Silky smooth, very nice fruitiness, vanillin, a bit of oakiness, sweet palate, very nice whiskey indeed. Drink it with a dash of water, drink it on the rocks, drink it as it is really a good whiskey. Chaliye, फिर भी मैं second comparative tasting के taste पे चलता हूँ and let's see कि did I miss something. The same taste I would say, but yes, a very good taste. Mere recommendation mein must have whiskey, a very good aftertaste, medium to long finish I would say for this whiskey. Let's talk about Aficionado's report card for this whiskey. So on the price point I would give it a 9.5, and on the taste as well I would give it a 9.5. So is whiskey ka Aficionado's number hota hai 9.5. मेरे रिकमेंडेशन में अ मस्ट हैव विस्की, गो हैड ड्रिंक इट
I would definitely say that you would not get disappointed. Definitely a very good whiskey. It is available in Gurgaon. Go ahead, buy it from there, drink it. Very nice whiskey. But do take care of yourself. Do not drink and drive. Drink responsibly. And as we say in Aficionado's Den, stay classy and cheers.